नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं और स्कीम के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं, इस विषय पर भी बात करते हैं। सीएससी ने इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत अपने सीएससी अकेडमी केंद्रों के माध्यम से करियर काउंसलिंग सेवा की शुरुआत की है। सामान्य सेवा केंद्रों ने रोजगार बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 8 से स्नातक और ग्रामीण क्षेत्र के ड्रॉपआउट स्टूडेंट को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करियर काउंसलिंग और मार्गदर्शन सेवाओं के माध्यम से सेवा प्रदान करना है। करियर काउंसलिंग की यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएगी। सीएससी ने लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर एकेडमी के लिए विशेष काउंसलिंग सेशन की व्यवस्था भी करेगा। इस सेशन को लोगों के एकेडमिक इंटरेस्ट और प्रोफाइल के आधार पर आयोजित किया जाएगा। आईआईटी, आईएसबी, एमिटी और सिम्बोसिस जैसे इंस्टीट्यूट के एकेडमिक एक्सपर्ट्स को आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और मैनेजमेंट जैसी स्ट्रीम के महत्व के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएससी अकेडमी के कंसल्टेंट पीयूष गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि सीएससी के जो करियर काउंसलिंग यानी कि करियर गाइडेंस सेल है, इसको शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? करियर गाइडेंस जब आज की डेट में बात कर रहे हैं तो एक बहुत बहुत बड़ा विषय है ये, और अर्बन में तो हर एक स्कूल के अंदर करियर काउंसलर गाइडेंस के लिए होता है, बट हमारे रूरल जो थे बच्चे जो हैं, चाहे वो स्कूल में जा रहे हैं, चाहे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, चाहे जिन्होंने स्कूल अटेंड ही नहीं करा, आउट ऑफ स्कूल हैं, तो बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं वो रह जाते थे, वंचित रह जाते थे। तो हमारा क्योंकि सीएससी जो है रूरल ग्रामीण से ही जुड़ा है, तो इस करके हमने जो हमारे सीएससी एकेडमी सेंटर्स हैं वहाँ पे हमने ये करियर सीएससी एकेडमी का करियर गाइडेंस सेल की शुरुआत करी है, जिसमें हमारा मेन मकसद है सही समय में सही नॉलेज गाइडेंस बच्चों को देनी, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो हमारा वही मेन मकसद है, उसके अंदर हम सबको आज की डेट में हम शुरुआत करना चाहेंगे, चाहे वो स्कूल के हैं, चाहे वोकेशनल गाइडेंस है। तो हमारा मेन मकसद वही था, सही टाइम पर सही जानकारी मिले। जी पीयूष जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि यंगस्टर की करियर काउंसलिंग होती है, तो उसमें जो सीएससी का करियर गाइडेंस सेल है वो किस तरह से अलग है, उसमें क्या खास है? पहले तो है ये पहली बार शुरुआत होने जा रही है कि गाइडेंस सेल ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी एकेडमी लेवल पर ही अब जानकारी मिल सकेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हम जब गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें साइंटिफिक तरीका भी होना चाहिए कि आप बच्चे का इंटरेस्ट जानकारी जान सकें और उसको अकॉर्डिंग टू बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है उसके अकॉर्डिंगली उनको चैनलाइज करें। तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन मोड में करें, फिर एक्सपर्ट्स को बुलाना। तो हमारा मेन पक्ष डिफरेंस ये रहेगा कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ दिस गाइडेंस टू द चिल्ड्रन इन द रूरल इंडिया, उसके अंदर हमारा जो है बहुत सारी चीज़ें हम ला रहे हैं। इसमें अभी शुरुआत है कि वन टू वन काउंसलिंग होगी, गाइडेंस मिलेगी बच्चों को साइंटिफिक तरीके से, उनका इंटरेस्ट लेवल 8वीं क्लास ऑनवर्ड्स देखा जाएगा ताकि उनको शुरुआत से ही चैनलाइज किया जाए, रेदर देन वो 10th या 11th में आ जाएं तब जाके उनको गाइड किया जाए। फिर उसके बाद हम एक्सपर्ट्स को बुला के, क्योंकि हमारा एकेडमी सेंटर एक पार्टनरशिप के अंडर जुड़ा हुआ है, उसमें हमारे एकेडमिक पार्टनर्स भी हैं, इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं जी। तो हम एक अलग एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं, एक बड़े लार्जर इकोसिस्टम में रहते हुए हम ये सारी गाइडेंस इन सब के जरिए हम उनको लाएंगे। और उसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं कि हम एक लोकल लेवल पर भी जो हमारे सेंटर होगा वहाँ पे भी हम अपने जो भी हमारा मेंबर होगा वीएलई सीएससी एकेडमी सेंटर में, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो वहीं के वहीं लेवल 1 ट्रेनिंग गाइडेंस एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकें।
जी अदरवाइज आज की डेट में तो ऑनलाइन के जरिए ही बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल बट लोकल लेवल पर कंटिन्यूअसली बच्चों को कुछ एंगेजमेंट चाहिए होगी, तो बिल्कुल इस करके बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। तो हम सर्टिफाई करेंगे हमारे जो लोकल लेवल पर सेंटर में कोई मेंबर, उसको जी ट्रेनिंग करके कंटिन्यूस हम गाइडेंस करते रहेंगे। फिर जी हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि हमारा ये हम रूरल की बात कर रहे हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग किस तरह की अवेलेबल है। तो हम क्योंकि अगेन हम बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज एकेडमी के अंडर भी हैं, तो हम शुरू में ही बच्चों को उस साइड में डाइवर्ट, उस साइड में उनको गाइड कर सकते हैं, ताकि जी लोकल लेवल पर एकेडमी सेंटर में ही वो अपनी इंटरेस्ट की कोई ट्रेनिंग, हो सकता है किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट हो, तो जी वो शुरू से ही ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज में देख सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट लेवल कहीं और जाता है, तो आइडिया है कि सारी की सारी चीजें अब कोशिश करके आने वाले टाइम में एक ही जगह पर पूरा मिल जाए, वो हमारा एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, जो जी कि स्कूल्स में नॉर्मली अर्बन में मिलता है और रूरल के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र के वंचित रह जाते हैं। तो ये जी हमारा मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मैं कहूंगा। जी पीयूष जी, क्योंकि बच्चे तो अब करियर काउंसलिंग के लिए किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जा नहीं पा रहे हैं, वो घर बैठे सीएससी के माध्यम से ले सकते हैं, तो कौन कौन से क्या टारगेट रहेंगे सीएससी के इस काउंसलिंग में और कौन कौन से पॉइंट कवर किए जाएंगे? इसमें सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि अर्ली करियर गाइडेंस। जी अर्ली करियर गाइडेंस मतलब 8वीं कक्षा में अगर हम बच्चे को इंटरेस्ट लेवल देख सकें, उसको साइंटिफिक तरीके से जैसे बताया साइकोमेट्रिक टेस्ट है या कोई और असेसमेंट्स हैं, उसके थ्रू हम प्रोफेशनली देख सकें, और शुरू में उनको हम ये तो 8वीं क्लास के बच्चे, उनको गाइडेंस दे सके। फिर आने वाले टाइम में जैसे जैसे बच्चा 10th में जा रहा है या 11th में जा रहा है, 12th में जा रहा है, फिर उसको कॉलेज लेवल की गाइडेंस कि जी कौन से हैं, फिर आगे अगर आप ये स्ट्रीम कर रहे हैं, आर्ट्स कर रहे हैं, आज की डेट में 2000 से ज़्यादा करियर्स अवेलेबल हैं, जी और आने वाले टाइम में जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे जो हैं 50% और एटलीस्ट अराउंड 30% ऑफ दीज करियर्स वो रहेंगे नहीं, नए करियर्स आ जाएंगे। ठीक जी है, तो वो हमारे इस करके जो स्कूल में जा रहे हैं 8वीं क्लास में, या जो बच्चे नहीं जा पाए स्कूल, आउट ऑफ द स्कूल हैं, जी उनको वोकेशनल गाइडेंस, जी उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जी तो हम बेसिकली आप कहें कि हर एक तरह के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग होंगे, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे आउट ऑफ द स्कूल हों, चाहे इवन हाउसवाइफ्स हों, जी उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं कि घर बैठे ही सीएसई एकेडमी सेंटर पे जाके वो डिग्री हासिल कर सकते हैं या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कुछ अगर कोई हो सकता है, कोई टीचर्स हैं बहुत अच्छे, वो जी ऑनलाइन के जरिए हमारे इस काउंसलिंग सेल, गाइडेंस सेल के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। जी तो बहुत सारे क्षेत्र हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और हम अपने साथ बहुत लोगों को, एक्सपर्ट्स को, चाहे वो इंडस्ट्री के जैसे बताया है, चाहे एकेडमी के बताया है, चाहे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स हैं अर्बन में, उनको हम साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। और एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट प्रयास, हम हर फ्राइडे को 4 से 5 बजे जो सीएससी स्कीम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जी पे हम वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे अलग अलग स्पेशलाइज्ड एरिया के, जिसमें हर एक तरह के लोग उसमें हमारे जुड़ सकते हैं। जी और अगर लाइव मिस आउट हो जाता है तो यूट्यूब चैनल पर जाके बाद में भी सुन सकते हैं। देख तो सकते एक हैं छोटा सा एक प्रयास है जो कि बहुत जरूरी था ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बिल्कुल और डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हमारा मेन बच्चों के मकसद स्किल्स इस। बाहर आएंगे, उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाने की, सर ये छोटी सी कोशिश नहीं है, काफी अच्छी कोशिश है जो सीएससी के माध्यम से शुरू की गई। तो ये हम कर रहे हैं अभी, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी जुड़ रहे हैं हम, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही बच्चों को कुछ वीडियो के जरिए भी गाइडेंस दी जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ बच्चे लाइव क्लास में मुश्किल होता है, टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं, तो हम जी सेल्फ पेस्ड भी बहुत सारा कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे तेलुगु में हो, उनमें लेके आएंगे वीडियोस, और बच्चे उनको सुन के भी कुछ गाइडेंस कर सकें, फिर कुछ बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स
अटेम्प्ट कर सकें, जो कि हमारे जो बैकएंड एक्सपर्ट्स होंगे या लोकल लेवल पर एक्सपर्ट्स होंगे वो उनको देख सकें। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता, अभी हमने 15 अगस्त को ही ये लॉन्च करा है, तो जी अभी बहुत आगे बढ़ना है, तो देखते हैं आगे का प्रयास हमारा कैसे रहता है। थैंक बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका। तो ये थे हमारे यू साथ वेरी मच। पीयूष गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर की करियर काउंसलिंग यानी कि करियर गाइडेंस सेल किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बच्चों का मार्गदर्शन करेगी, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उन्हें अन्य भाषाओं में भी गाइडेंस मिल पाएगा। और अब बात करते हैं सीएससी की डीजी नेम सुविधा की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीएससी के माध्यम से अब बहुत सारी सेवाएं लोगों को दी जा रही है, इसी के चलते सीएससी ने डीजी नेम सुविधा की शुरुआत करी थी। इस सुविधा के माध्यम से आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। डीजी नेम के जरिए सभी तरह के भारतीय डोमेन एक्सटेंशन खरीदे जा सकते हैं। सीएससी की इस स्कीम में सभी लोग बहुत कम दामों में और बड़ी ही आसानी से वेबसाइट बनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आमतौर पर डोमेन नेम सीएससी वैली की आइडेंटिटी को वेब पर दर्शाता है। इसके जरिए हम लोग वेबसाइट पर जाकर वैली द्वारा दी गई हर सर्विस की जानकारी को ले सकते हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सीएससी की असिस्टेंट जनरल मैनेजर भगवती जनवाल जी, और हम इनसे बात करेंगे डीजी नेम सर्विस के बारे में। भगवती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी भगवती जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि वेबसाइट का चलन है, ऑलमोस्ट सारे बिजनेसमैन जो है वो वेबसाइट्स और डोमेन का यूज करते हैं, तो इस फील्ड में कितना ये लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा? जी देखिए, अगर डिजी नेम की बात की जाए जो स्पेशली हम सर्विस सीएससी प्लेटफॉर्म से देते हैं, आप बात कर रही हैं कि आज का जो टाइम है वो बदलता टाइम है, लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन मूव कर रहे हैं, और स्पेशली लॉकडाउन में हमने देखा है कि जब चीज़ें बंद थी, लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, काफ़ी छोटे मोटे बिजनेसमैन जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो ऑनलाइन उभर के आए, काफ़ी उन्होंने बिजनेस भी किया जस्ट बिकॉज दे हैव देयर ऑनलाइन प्रेजेंस थी, उन्होंने उन पोटेंशियल उन कस्टमर्स को टैप किया जो अब मोबाइल फोन्स के थ्रू घर से बाहर ना निकल के सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन चीज़ें खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर सीएससी में बात की जाए, देखिए हमारे जितने वेलीज हैं उन्हें हम डिजिटल सोल्जर्स कहते हैं, वो हमारे डिजिटल सोल्जर्स हैं जो ग्राउंड पे उन सभी सरकारी गैर सरकारी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में हमारा मानना है कि हर वेली की अपनी डिजिटल पहचान, डिजिटल आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसीलिए जितने भी 4 लाख से ज्यादा वेली इस वक्त हमारे नेटवर्क में है, हम उन सभी को अपने उन चाहते हैं कि उन सबकी डिजिटल पहचान बने जो भी सर्विसेज वो देते हैं इस वक्त। अगर आपने इससे पहले भी किसी सीएससी अधिकारी से बात करी होगी, सीएससी सुविधाएं देखी होंगी, तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं जो अलग अलग लोगों को कैटर करती है, चाहे गैस बुकिंग हो, चाहे आधार कार्ड में कुछ एडिट करना हो, चाहे आपकी बैंकिंग सुविधाएं हो या एजुकेशन रिलेटेड सुविधाएं हो जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स से लेके हाई लेवल डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज तक अवेलेबल है। तो ऐसे में एक वेली अपने एक छोटे से बोर्ड में, जो एक बोर्ड वो अपने दुकान के आगे लगाता है, अपने सेंटर के आगे लगाता है, सारी सुविधाएं नहीं लिख सकता। तो ऐसे में हमारी जो वेबसाइट्स हैं, हमारी जो डिजिटल पहचान या ऑनलाइन प्रेजेंस है वो काम आती है। वेली अपनी वेबसाइट के जरिए उन सभी सर्विसेज को लिस्ट कर सकता है, दिखा सकता है कि वो कौन कौन सी सर्विस इस वक्त अपने इलाके में दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सारी हजारों सर्विसेज में से सारी वेलीज ना दे रहे हो, कुछ चुनिंदा सर्विसेज को वो पहुंचा रहे हो, तो उन सभी सर्विसेज की लिस्ट वो अपने पोर्टल पे अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हैं। आपके आसपास के लोग, ना सिर्फ ग्रामीण लोग बल्कि आपका हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आपके जिला अधिकारी हैं या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो देखना चाहते हैं कि इस वक्त सीएससी आपकी पंचायत में आपके गांव में कैसे काम कर रहा है, तो सिर्फ आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं, और वीएली का नाम और काम उनके वेबसाइट से पता किया जा सकता है बिना उनका सेंटर एक्चुअली विजिट किए। तो भगवती जी, एक चीज और, आप एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि वेबसाइट बनाना या डोमेन खरीदना कितना आसान होगा, या कितना आसान होगा इस डोमेन को खरीदना? जी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि वीएलईज के लिए, स्पेशली जो हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए हमने एक स्कीम निकाली है। अगर कोई भी वीएलई हमसे डोमेन खरीदता है, इस वक्त हमारे डोमेन 7 विभिन्न डीएनएस यानी डोमेन एड्रेसेस जिसे बोलते हैं उसमें अवेलेबल हैं। ये 7 जो डोमेन एड्रेसेस हैं वो .in,
.net.in, .firm.in, .co.in, .gen.in, .ind.in और .org.in है। तो really अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी डोमेन इसमें से अपना डोमेन बुक करवा सकता है। जब वो डोमेन बुक करता है तो हम उस VLE को अपनी तरफ से एक वेबसाइट, प्री डिजाइन वेबसाइट होती है जिसमें उसे अपना कंटेंट और इमेजेस अपलोड करनी होती है। ये 5 पेजों की वेबसाइट हम VLE को देते हैं। ये VLE को बनी बनाई वेबसाइट मिलती है। बैकएंड पे कंट्रोल पैनल होता है, जैसे आप अपने फेसबुक में इमेजेस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज फीड करते हैं, वैसे ही आप अपनी इमेजेस, अपने काम को इस बने बनाए उस पे कंटेंट पे अपलोड कर सकते हैं। और ये सभी डोमेन खरीदने के साथ बिल्कुल मुफ्त है। VLEs को 1 साल की वेबसाइट मिलेगी, प्लस इसके साथ हम उसे 1 ईयर वेब होस्टिंग भी देते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। जनरली अगर आप किसी थर्ड पार्टी से वेब होस्टिंग करवाएं, डोमेन खरीदने के बाद ऐसा होता है कि आपको अपनी वेबसाइट कहीं होस्ट करनी पड़ती है, किसी सर्वर पे होस्ट करनी पड़ती है, और आजकल का मार्केट इस वक्त है कि होस्टिंग प्राइसेस काफी एक्सपेंसिव होते हैं, और हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा हाई होते हैं। जी, VLEs के लिए बियर करना, वो कॉस्ट बियर करना बहुत मुश्किल होता होगा। तो इसीलिए हमारे जो डोमेन है वो 299 से लेके, जो भी मैंने आपको 7 डोमेन बताए, 299 से लेके 399 प्राइसेस में अवेलेबल हैं। तो VLE जब उन्हें खरीदेगा तो 1 साल की वेब होस्टिंग और हमारी वेबसाइट उसे मुफ्त मिलती है। ये VLE के ऑप्शन पे है कि वो खरीद लेना चाहता है, नहीं तो वो कहीं और भी अपनी वेबसाइट होस्ट करवा सकता है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे पास कई VLEs, 1 लाख के करीबन VLEs हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट हमारे साथ रखी हुई है, हमारा डोमेन हमारे यहाँ से बुक किया हुआ है। तो भगवती जी, डोमेन लेने के, डोमेन तो ले लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों के इसके फायदे नहीं पता होते, तो डोमेन लेने के फायदे क्या क्या होंगे? जी, ये बहुत सही सवाल आपने पूछा। अगर इवन मैं अपने जो हमारे VLEs हैं या VLEs से जुड़े जो कस्टमर्स हैं, जो उनके पास अक्सर उनके सेंटर्स पे आते हैं, उन्हें वेबसाइट की लाभ नहीं पता कि आप वेबसाइट से कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए, एक अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, अगर आपने एक बैनर लगाया हुआ है, हमारा कोई CSE अकेडमी है, कोई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है जो बैंक के थ्रू लोन भी दिलाते हैं, रेनो कार बेचते हैं, इस वक्त हम सब कुछ कर रहे हैं, ग्रामीण स्टोर में हमारा नमक, टाटा नमक से लेकर टाटा की कार तक बेचते हैं, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ एक बोर्ड लगाएंगे तो वो सिर्फ आपके चुनिंदा 5 से 10 किलोमीटर की टेरिटरी या उतने ही लोगों को पता होगा कि XYZ करके एक VLE है जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए जब आप वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट में वो काम लिख के देते हैं कि आप सब कुछ 10 रुपए के टाटा नमक से लेके आप 5 लाख की, 10 लाख की गाड़ी तक आप दे रहे हैं, तो आप ये देखिए, आपका मार्केट बढ़ रहा है, आपका होराइजन बढ़ रहा है। सिर्फ लोग ही नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी, और अक्सर VLEs इन लोगों से संपर्क में रहते हैं, कई जिला अधिकारी और पंचायत अधिकारियों से अपने काम, उन्हें सरकारी काम तक पड़ती रहती है, तो अपना काम शोकेस कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो VLE नहीं है, तो देखिए, एक वक्त वेबसाइट बनाना, अपनी डिजिटल पहचान बनाना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप आजकल, अगर आपने देखा होगा, ट्रेंड में है कि इवन लोग अक्सर जब शादी भी करते हैं तो अपना इनविटेशन वो वेबसाइट बना के करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। या कोई भी कोई भी न्यूज उन्हें अगर शेयर करनी हो तो एक छोटी वेबसाइट 1 या 2 पेज की बनाई जाती है। तो इसका मतलब आप मास लेवल पे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली योर फेसबुक, व्हाट्सएप या अपने इंस्टा के थ्रू ही नहीं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लोगों तक कम समय पे पहुंचा सकते हैं, सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आप तुरंत उनका फीडबैक भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जो वेबसाइट हम VLE को बना के दे रहे हैं उसमें हमने एक फॉर्म भी ऐड किया हुआ है कि अगर आपका कस्टमर आपको फीडबैक देना चाहता है, कोई भी सर्विस उसने आपके सेंटर से ली हो, तो आजकल देखिए फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। गए वो दिन जब न्यूज़पेपर छपता था, 4 दिन के बाद पता चलता था कि चीजें कैसे लोग इंटरैक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, आज घटना होती नहीं है, लोगों के रिएक्शंस ट्विटर और कमेंट सेक्शन पे, तो वो इससे पता चलता है कि लोगों की सोच क्या है, लोग सोच कैसे रहे हैं उस पर्टिकुलर न्यूज आइटम को लेके, उस घटना को लेके। सेम ऐसे भी अगर आपका सेंटर अच्छा है तो लोग आपको पॉजिटिव रिव्यूज देंगे, इवन अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया भी है तो आप समझ सकते हैं कि आपके सेंटर पे यहाँ कमी है, आप उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, तो ये बिल्कुल हम डिजिटल समय की बात कर रहे हैं जहाँ पे तुरंत इन्फॉर्मेशन गई और उसका फीडबैक तुरंत आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट यही है कि आप बड़े लेवल पे लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और उसी टाइम पे लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं कि लोगों को वो चीज पसंद आ भी रही है या उस पर वो कुछ चेंजेस चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवती जी आपका।
तो ये थी हमारे साथ भगवती जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग और बहुत ही आसानी और कम दाम में, किफ़ायती दाम में डोमेन को खरीद सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। और आज इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयंत घोष जी, जो कि VLE हैं, जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से हैं। जयंत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। हाँ हाँ, आपको भी धन्यवाद। जयंत जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने क्षेत्र में लोगों को डीजी नेम सर्विस की जानकारी कैसे देते हैं? मतलब वो उनका जो दुकान है ना, वो कहीं पे गली पे है, मतलब लोग जानते नहीं है, तो उनको मैं जाके बोला था कि अगर ये सर्विस आप ले लेंगे तो मतलब नेट पे, इंटरनेट पे भी आपका दुकान मतलब पहचान सकते हैं लोग। तो ये सब बताने के बाद लोगों ने बोला कि ठीक है। पहले तो दो लोग आए कि मुझे ये कर दीजिए, तो करने के बाद बहुत सारी दुकानदारों को ये फायदा दिखी, तो उन्होंने भी मेरे पास आके वो सर्विस ले लिया जी। अच्छा जैन जी, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि डीजी नेम के द्वारा आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और लोग इस सर्विस का लाभ कैसे ले पा रहे हैं? मतलब डीजी नेम करने से वो कोई एक दुकान है जिसको लोग पहचानता भी नहीं, मतलब कहीं पे भी हो, ये तो मेरा, हमारा जो एरिया है वो तो गांव है, तो मतलब कोई भी कोने पे भी एक एक दुकान है कोने, तो लोग पहचानता नहीं। तो डीजी नेम के सर्विस लेने के बाद वो नेट पे सर्च कर सकते हैं और नेट पे भी लोकेशन देख सकते हैं, तो कोने का दुकान भी पहचान वाला हो गया। अच्छा। तो इस तरह मतलब वो लोग सुविधा ले सकते हैं और दुकान पे अपना प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को सुविधाओं में क्या क्या दे रहे हैं? डीजी नेम में जो सुविधाएं हैं उसमें क्या क्या है? डीजी नेम में जो सुविधा है, मतलब एक वेबसाइट बन गया जी। तो उस वेबसाइट पे मतलब दुकान पे अगर कोई ना भी आए, नेट पे वो सब देख सकते हैं, मतलब नेट पे अगर कोई सर्च करे तो दुकान को विजिट करने के समान ही हो गया जी। इस तरह मतलब घर बैठे सब देख सकते जी। तो ये सब सुविधा मैंने दिया है। तो जैसे कि आपने देखा, जैन जी ने बताया कि किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में लोगों को डीजी नेम की सुविधा पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह से लोगों को जानकारी भी दी जाती है। तो जैसे कि आपने देखा, पीयूष जी ने, भगवती जी ने और जयंत घोष जी ने हमें बताया कि किस तरह कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा शुरू करी गई स्कीम्स का फायदा लोगों को मिल रहा है। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी की कुछ नई सेवाओं के साथ। तब तक के लिए बने रहें फुटकर न्यूज पर। नमस्कार।